más hot. ये देखिए भारतवर्ष का सबसे पुराना शहर, सबसे पुराना सभ्यता, सबसे पुराना विकसित शहर काशी। अभी जिसको वाराणसी, इनसे वाराणसी बोला जाता है। हम लोग केदारघाट से जा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। ये देखिए भैया, आपका नाम क्या है? हमारा नाम अजय, अजय बोट चला चालक। अभी हम लोगों को ले जा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर केदारघाट से। आप परिसीम सुंदर दृश्य, प्राचीनतम सभ्यता भारतवर्ष का। मोहेंजोदड़ो हड़प्पा के बाद अगर कोई सभ्यता पहना पनपा था वो है काशी में। ये काशी का ये पवित्र, ये गंगा उनके उनके साथ ये भारतीय सभ्यता जो ये देखिए मानसरोवर घाट से आगे आके हम लोग राजा घाट और यहाँ नारद घाट, ये एक के बाद एक घाट। और ये सभ्यता अपूर्व सुंदर, ये सभ्यता अपूर्व सुंदर, ये दृश्य देखिए कितना पंछी तैर रहे हैं। देखिए पंछी लोग सब तैर रहे हैं। यहाँ देख के लगता है जैसे जीव जगत एक उनका एक निजी घर, एक निजी स्थान, यहाँ एक अजी एक उत्तम इकोसिस्टम यहाँ चल रही है। शाम को ले जाएंगे, ले आएंगे, कितना लीजिएगा? ये बताएगा मालिक, बताएगा। शाम को साथ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आज रैली है ना, समझेगा तो। क्योंकि शाम को जो है ना, शाम का दृश्य अलग होता है देखने का। ले के आएंगे तो चलेगा, तो देख लीजिएगा, तो घूमने जाए ये देखिए आगे लैक कैफे दिखाई दे रहा है और वहाँ विष्णु गेस्ट रेस्ट हाउस, उसका बगल में है रिंकू सिल्क हाउस। यहीं पर बनारसी जो साड़ी है, जो विश्व प्रसिद्ध साड़ी निर्माण होता है यहीं पर। उसके बाद देखिए कुमिको हाउस, ये कुमिको हाउस, ये भाषा जो है एक्चुअली ये भाषा है आपको जापानी भाषा, कोरियन भाषा। तो ये कोरियन लोग भी देखिए यहाँ आके बसे हुए हैं हजारों साल से, घूम रहे हैं। कोरियन नाम इसलिए रखा है कि कोरियन लोग वहाँ पे आए घूमने। अच्छा, रेस्टोरेंट का प्रचार। इसके बाद है दिक्पातिया घाट। इस देखिए बंगला में लिखा हुआ है श्री 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 तारा धाम ओ केदारनाथ। केदारनाथ ये ओमकार घाट है। उसके आगे हम लोग देखिए ये दृश्य, ये निर्माण, ये अचंभित कर देता है ये निर्माण। श्री श्री तारा धाम उत्तरकारनाथ। अचंभित करेगी ये सभ्यता, ये भारतीय सभ्यता जो हजारों हजारों साल से विकसित है इस गंगा के
के तट पर आप लोग सब देखिए और इसका आनंद लीजिए। काशी विश्वनाथ धाम एक पवित्र धाम है, सारा दुनिया से आदमी ही पर आते हैं इसका खूबसूरती देखने के लिए। मैं तो बचपन से कोशिश कर रहा था आने का, लेकिन मौका ही नहीं मिला और पहली बार आए हैं, एक इस तरह से आए हैं जिसको आप कुछ बताएंगे काशी विश्वनाथ के बारे में, इस जगह के बारे में भाई बताएगा अपना। बताइए कुछ, बोलिए आप, बोलिए भाई बताएगा। इधर देखिए, इस तरफ देखिए, बोलो बोलो। ये तो YouTube में जाएगा ये वीडियो। ये आपका ब्रिजरावा पैलेस उधर दिखाइए, हाँ घर का दिखाइए, हाँ थोड़ा, हाँ ब्रिजरावा पैलेस है ये आपका, हाँ भारत का जो दरभंगा घाट है। ए बाबू एक तो तुम उधर जाओ, आप इधर आइए। ये आपका ब्रिजरावा पैलेस, हाँ बनारस का सबसे महंगा होटल है। अच्छा, आपको 20,000 में एक दिन का खाली किराया। अच्छा, 7-star होटल ही बना रहा है। अच्छा, बट टोटली घाट के ऊपर है और सब होटल वगैरह वो थोड़ा अंदर है, गली में घाट प्रॉपर नहीं दिखाई देता, इस होटल से आपका प्रॉपर घाट दिखाई देता है। प्लस यहाँ पे जितने भी एक्टर एक्ट्रेस जितने भी लोग हैं स्पेशल वो लोग यहीं पर। इसके बगल में आपका आता है अहिल्या बाई घाट। अच्छा, अहिल्या बाई देवी का। अच्छा, उसी के बगल में शीतला घाट है, शीतला माता का मंदिर वही। अच्छा, उसी के ठीक बगल में आपका दशाश्वमेध घाट है, यहाँ पर 18 पंडित आरती करते हैं शाम के टाइम पर। आपका आरती यहीं पर होता है, गंगा आरती यहीं पे आपका होता है। तो शाम में तो आना पड़ेगा, दशाश्वमेध घाट में आरती है एक, इसी के बगल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट है वहाँ पे आरती है। अच्छा, कहाँ पे, कितना बजे होती है? शाम को 6:30 बजे। 6:30 बजे, इसका मतलब 5 बजे आ जाना पड़ेगा हम लोगों को आरती देखना है तो। आज भी आपको देख लीजिए। और इसी के बगल में आपका अगर ठीक राजेंद्र प्रसाद घाट, सेम टू सेम एक जैसा लगता है। अच्छा, बस दशाश्वमेध घाट का महत्व बहुत ज़्यादा है राजेंद्र प्रसाद घाट। अच्छा, बनारस का सबसे बड़ा घाट आपका दशाश्वमेध से लेके राजेंद्र प्रसाद घाट। अच्छा, बाकी सबसे छोटा था। और यहाँ जो इतना भीड़ इतना जो क्राउड करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, गंगा स्नान, पवित्र गंगा स्नान के लिए देखिए भीड़। दशाश्वमेध में, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका में स्नान करना गंगा का जन स्रोत आप देख सकते हैं यहीं से, जो कितना कितने सारे इंसान आए हुए हैं इस पवित्र गंगा स्नान के लिए, ये जन स्रोत आप यहीं से देख पाएंगे। देखिए बढ़िया से देखिए, ये प्राचीनतम सभ्यता भारतवर्ष की आप देख सकते हैं। और इस तरफ जो सब ये नाव खड़े हैं, ये सब ये कोई तट है लगता है। नहीं नहीं, वो उधर का जगह है, टेंट सिटी उधर बन रहा है। अच्छा अच्छा, लोग घूमने इधर मिल जाते हैं। अपरिसीम सौंदरता, अपरिसीम सभ्यता का विकास हजारों हजारों साल पहले इसी गंगा तट पर मानव सभ्यता का एक पंचम लहरा गया था। आज काशी विश्वनाथ दर्शन करने से वो चीज़ मुझे समझ आई। आ गए हम लोग, नहीं आप तो यही घाट नया बनाया गया है।
नहीं नहीं घाट इसके आगे बनाया ललिता घाट, वहाँ पे बंद है अभी बोट रेस, वहाँ पे चलना है। और ये जो स्थान है, ये जो स्थान है कौन सा, ये जो है पूरा नॉर्मल घाट है। अच्छा, पर आपका कलुआ डोम का घर है। अच्छा अच्छा अच्छा, जो डेड बॉडी वगैरह बर्न करते हैं, लाश वगैरह जलाते हैं, उसके राजा का घर ऊपर कलुआ डोम। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे जो दो सर नहीं है वही वाला। देखिए बस हम आवत नहीं, हम छोड़ के आ जाए, छोड़ के आ जाए फिर ज्यादा टाइम। अबे नहीं भाई आज है, दूर गए थोड़ा। अरे घर चलो दिए, उधर नहीं जाएगा किधर, उधर आपका दादा बूट प्रेस चल रहा है बंद होकर, उसके आगे चला है, लेकिन उसके आगे जाने का कोई फायदा नहीं है, मेरे घर तो बंद ही है, मेरे शाम को पूरा बंद है। शाम के कुछ आप देख रहे होंगे विशाल ये जल स्रोत माँ गंगा और उन्हीं गंगोत्री से, गंगोत्री से पैदा होता है। हाँ बताइए इस बारे में, नदी के बारे में बताइए। देखिए गंगोत्री से आपका गंगा नदी का शुरुआत होता है, पहाड़ों के बीच से छोटी छोटी बूंदे को सुन सकता है। इस तरफ देख के बताइए बढ़िया से। अरे भैया उधर से ना आता है, इधर का कोई ना आता। अब हम लोगों का ये गाइड है, आपका नाम बताइए। आयुष वर्मा नाम है। आयुष वर्मा, आयुष वर्मा जी हम लोगों को लेके आए हैं होटल से और गेस्ट हाउस से। एक्चुअली आपका गेस्ट हाउस का नाम बताइए। शिव कमला पिंक गेस्ट हाउस। अच्छा बढ़िया, घाट पे स्थित है। आप लोग सबको ही आइए, हरिश्चंद्र घाट पे स्थापित है ये, बताइए गेस्ट हाउस का नाम। शिव कमला पिंक गेस्ट हाउस हरिश्चंद्र घाट। अच्छा शिव कमला पेइंग गेस्ट हाउस हरिश्चंद्र घाट, बहुत ही अच्छा इन लोगों का व्यवहार है, बहुत ही अच्छा होटल है, अब आने से आपको अच्छा लगेगा। आप लोग सब आइए और वहीं से वर्मा जी हम लोग को ले आए हैं काशी विश्वनाथ दर्शन करवाने मंदिर तक। यही हम लोग का चालक है जो हम लोग को अपना मेहनत से यहाँ घाट तक पहुँचाए हैं। मीराबाई के नाम से। अच्छा ये देखिए मीराबाई घाट तक हम लोग पहुंच गए हैं, मीराबाई घाट, अपरूप सुंदर ये दृश्य, हजारों साल का इतिहास बयान कर रही है। ये देखिए सब कोई गंगा स्नान कर रहे हैं, पवित्र जल स्रोत में अपना स्नान करके अपने आप को तृप्त कर रहे हैं।